कि जो गलती कैनेडा स्टडी वीज़ा लाउन वेले की जाती है तो नतीजा भुगतया जाता है कि जो कैनेडा स्पाउस होता है कि ठीक है जी मैं अपना मैं आपकी वाइफ में भेजा मैरिज साड़ी जेन्यून है असं अपनी जी है डॉक्यूमेंट सारे जेन्यून तैयार किए हुए हैं तो साड़ा केस जो है जेन्यून लग जाना सत श्री अकाल दोस्तों मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एक्सेस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो उम्मीद करता जी तुम सारे ठीक ठाक होवोंगे जिते भी होवोंगे चढ़ती कला में होवोंगे राजी खुशी होवोंगे और अपने परिवार के मैंबरों के नाल होवोंगे। करोना महामारी के फैलाव के प्लीज़ जो है जरा कि लोड़ पैन तो घरों बाहर जाओ बिना लोड़ तो तुम्हें कोई काम नहीं है तो घरों के ही रहो अपने परिवार के मैंबरों के नाल रहो बाहर जाने किसी जरूरी काम से जाने तो जाने लगे अपना मास्क और सैनिटाइजर नाल लैके जाओ समय समय के उपर अपने सैनिटाइजर की वरतों करो क्योंकि आप सारे जने रल के ही जो है इस वायरस के फैलाव में जो रोक सकते हैं। अज आप गल करेंगे जी एक यहोजे टॉपिक पर कि जो गलती कैनेडा स्टडी वीज़ा लाने वेले की जाती है तो वह नतीजा भुगतया जाता है कि जो कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लानी होंगी है उदों तो बहुत सारे यहोजे केस वेखन को मिलते हैं। रीसेंटली भी एक केस इसे दे रिगार्डिंग ही आया सीगा वो बच्चे की रिफ्यूजल है उस एप्लीकेंट की तो बाद दे विच उन्होंने रिफ्यूजल दे कैप्स नोट कढ़न तो बाद उन्होंने पता लग गया कि साडा जिहड़ा रीजन हैगा वह आया होया तो हुण इहोजे केसिस दे विच की है कि आपां नूं उहदा रीजन जिहड़ा हैगा जस्टिफाई करने जिहड़े बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो रीज़न कहड़ा हुंदा जी जदों तुसीं कैनेडा स्पाउस वीज़ा की फाइल तो पहला आपां कह सकते हैं कि लाइक कि तुसीं अपनी वाइफ नूं खुद भेजा होवे मतलब कि अगर तुहाडी वाइफ का स्टडी वीज़ा आने तो पहला अगर तुसीं मैरिड हो तो जिहड़ा हैगा आनंद कार्ज हो चुके आनंद कार्ज की डेट तुहाडे मैरिज की जिहड़ी डेट हैगी कैनेडा स्टडी वीज़ा तो पहला दी है मतलब कि है कि तुसीं फाइल बाद च लगाई है अपनी मैरिज तो तो उत्थे जाके की हुंदा कि बहुत सारे कंसल्टेंट जिहड़े हुंदे ने एजेंट्स हुंदे ने वो तुहाडी वाइफ नूं जां स्पैशली जे आपां कह दिंदे स्टूडेंट नूं जिहड़ा होगा अनमैरिड शो करके फाइल जिहड़ी हैगी उह लगा दिंदे आ सिंगल दी फाइल लगा दिंदे दैट मीनस की है कि तुहाडी वाइफ दे नाम दे मगर उहनां दे फादर दा नाम लगदा तुहाडा नाम उत्थे नहीं लगदा दैट मीनस की है कि वह उस वेले भी वो जिहड़े हुंदे अनमैरिड हुंदे ने उस तो बाद वो चले जाते हैं अपने उन्हों का स्टडी वीज़ा आ जाता वो चले जाते हैं जो चलो एक समैसटर हों इधरों स्पाउस अपनी फाइल की तैयारी करनी शुरू कर दिंदा नाल दी नाल की हुंदा जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लॉज करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान बहुत सारे कंसल्टेंट वालों नहीं दिता जाता स्पैशली एप्लीकेंट वालों भी नहीं दिता जाता कि हाँ जी उन्होंने तो यह हुंदा कि ठीक है जी मैं अपना मैं आपकी वाइफ में भेजा मैरिज साड़ी जेन्यून है असं अपनी जी है डॉक्यूमेंट सारे जेन्यून तैयार किए हुए हैं तो साडा केस जो है वो जेन्यून लग जाना बट दिक्कत कितने जाके आती है कि जो उन्होंने फाइल के सिंगल शो करके उनकी फाइल लगा दी गई थी तो बाद जो देखा गया तो इस बच्चे की भी रिफ्यूजल के इस यही सीन यही रीज़न एक मेन आया कि तुहाडे जिहड़ी हैगी आ मैरिज जिहड़ी हैगी आ जेन्यून नहीं है दैट मीनस की है कि तुहाडी वाइफ जदों गई है कैनेडा स्टडी वीज़ा पर तो वह उस टाइम सिंगल सी बट तुसीं जिहड़ा हैगा अपने तुहाडे आनंद कार्ज आ तुहाडे मैरिज सर्टिफिकेट आ जां तुहाडी मैरिज सोलेमनाइजेशन की डेट है वो तुहाडी पहलां दी किवें आ तो इस चीज़ नूं तुसीं जस्टिफाई नहीं कर सकते दैट मीनस की है कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड कि तुसीं इस वीज़ा के हकदार हो। सो वह बच्चों जो पूछा गया कि हाँ जी कि जो तुम अपनी वाइफ की फाइल लगाई सी कि आफ्टर मैरिज लगाई से वह कहना हाँ जी बिल्कुल कहना मैं आफ्टर मैरिज अपनी वाइफ की फाइल लगाई सी सारा कुछ मैं लगाया सी तां उन्होंने यह चीज़ पूछी कि गल भी भाई भी जो तुम अपनी वाइफ की फाइल लाई तो तुम ये चीज़ देखी नहीं कि हाँ जी कि ये मैरिड है कहता जी साडे कंसल्टेंट नूं असीं कहा सी कि हाँ जी ये लाउणा वह कहता कि नहीं जी नहीं जो अनमैरिड शो करके लाने तो कैनेडा स्टडी वीज़ा का जो हुंदा चांसिस वध जांदे आ। सो ये चीज़ पहली गल तो मैं इहोजे लोगों को भी पूछनी चाहूँगा या स्पैशली वो इहोजे एजेंट्स नूं पुछांगे कि तुसीं खुद दसो कि एक चीज़ कित्थे लिखी है कि अगर अनमैरिड होगा तो वीज़ा जिहड़ा हैगा स्टडी वीज़ा छेती आउंदा मैरिड होना अनमैरिड होना एक स्टेटस का चेंज है जी ये उन्होंने वीज़े ना जिहड़ा हैगा कोई लेना देना नहीं हुंदा आपां तुहानूं हत्थ बन्ने के बेनती करदे आं क्योंकि वह बच्चे की आप गल कर लीए वो जिंदगी तो एक छोटे जे झूठ के नाल खराब होगी ना क्यों उस टाइम उस बच्चे ये लालच हों कि चल यार पहला मेरा स्टडी वीज़ा तो आए उस तो बाद मैं आपकी स्पाउस की फाइल लाने जोगा हो जूँगा तो जो स्पाउस स्टडी की फाइल वेले ही एक यहोजी गलती की गई तो उस तो मुड़ के वो यह गलतियां सुधारना जोड़ा है बहुत मुश्किल हो जाता। सो जो भी तुम अपनी कैनेडा स्टडी वीज़ा की फाइल लाने तो पता है कि हाँ जी मैं अपना बाद स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लानी है या जो चलो तुम इस बारे हूँ हजे फिलहाल भी तुम सिंगल हो या तुम बाद थोड़ा होंगे कि हाँ जी मैरिज होनी है वो तो देखो सब ने एक दिन करवानी है या मैं अपने हसबैंड या अपनी वाइफ में उधर बुला एज अ स्पाउस केस ओपन वर्क परमिट पर बुला तो उस समय तुम प्लीज़ की होंगे कि सब तो पहला तो यह देखा करो कि तुहाडा कंसल्टेंट तुहाडी एस ओ पी के लिख की रहा तुहाडे स्टेटस में वो की शो कर रहा अगर तुम सिंगल हो तो उसको सिंगल ही शो करवाओ अगर तुम मैरिड हो तो प्लीज़ उसको अपने स्टेटस में मैरिड करके ही उसकी फाइल में लाओ
अनमैरिड के उपर फाइल ना लाओ, क्योंकि उस तो बाद जो डेट्स होंदिया ने ना, तो मैरिज डेट हो गई, तुहाडे पैलेस दी डेट हो गई, गुरुद्वारा साहिब दे सर्टिफिकेट की डेट होगी, तुहाडे विआह दे कार्ड दे उपर डेट प्रिंटड होंदिया ने, या तुहाडे डॉक्यूमेंट जिहड़े बनाए होंदे ने, तां ओह सारे किते ना किते तुहाडे जिहड़ी हैगी आ इस फाइल की डेट दे नाल मिसमैच हो जांदे ने। तां जां तां तुसीं कैनेडियन गवर्नमेंट नूं झूठ बोल रहे हो, तो या तुहाडी मैरिज जेन्युइन नहीं है, तुसीं एक पासे हो किते ना किते तुसीं अपना फ्रॉड कर रहे हो। तां ओह देखो हुंदे आपां सच्चे हाँ, बट एक निक्की जी रीप्रजेंटेशन दे नाल बहुत सारे स्टूडेंट दे उपर हुंदा कि मिस रीप्रजेंटेशन दी वजह नाल 5 ईयर का जो हो गया बैन तक लग जाता। बहुत सारे केस इदा के वेखे जिन्हें इस रीजन करके ही बैन लगता। सो रीसेंट एक केस ये नाल दा आया, सो मैं ये जरूरी समझता सी कि चलो थोड़े नाल इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, क्योंकि साडा मोटिव यह चीज़ का हुंदा कि आप जो सही इन्फॉर्मेशन हरेक तक पहुँचाइए, जिन्नी सही हुंदी है उन्नी कुछ चीज़ को आप पहुँचाने की कोशिश करिए। सो बहुत सारे लोग होंगे ने जिस चीज़ को कहते हैं कि यह तो गलत है जी, कुछ भी हुंदा। सो अगर तुहानू इस चीज़ को लगता है तो तुसीं प्लीज़ सानू साडे कॉन्टैक्ट नंबर तुहानू दित्ता हुंदा, तुसीं सानू कॉल करके पुछ सकते हो। असी भी जिहड़ी जानकारी लैनी हुंदी है जिन्नी हुंदी है आपां नूं भी हुंदा कि चलो देखो हरेक बंदा सिखदा है लाइफ दे विच, जरूर हरेक बंदे नूं इह हुंदा कि जिन्नी जिन्ना टाइम लाइफ चलदी है उह सिखदे हां आपां, ठीक है। सो हरेक बंदा लर्न करदा है, सो नवीं नवीं चीज़ां सब नूं सिखण नूं मिलदियां। तुसीं अगर वीडियो देख के जानकारी लैण दे हकदार हो तां असीं भी कुछ चीज़ नवीं चीज़ां जिहड़ियां हैगियां सिखण दे हकदार हुंदे हां। सो कदे भी किसी चीज़ नूं जिहड़ा हुंदा तुसीं प्लीज़ उस चीज़ के उपर ओह ना करिया करो कि आप जिवें कहिंदे गलत टिप्पणी ना करिया करो। अगर तुहानूं लगदा हुंदा कोई चीज़ तुसीं सानूं परसनली पुछना चाहुंदे हो तां पुछ सकदे हो, कोई दिक्कत नहीं हुंदी उस चीज़ के विच, असीं तुहानूं पूरी जिहड़ी हैगी गाइडेंस देण लई तैयार बैठे हां। नाल दी नाल आप इसे टॉपिक ते आ जांदे हां दोबारा, कि जदों तुसीं जदों भी अपनी स्टडी वीज़ा की फाइल लाने हो तां इस चीज़ नूं जरूरी नोट कर लिया करो कि तुसीं अपने स्टेटस नूं जिहड़ा हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ SOP ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਡੇਨਗਾ ਸਰਵਿਸ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਕੋਟਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 7707857 7007 3037 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਬਹਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।